मंत्री महोदय, जवाब आपका आ गया है। मैं तो जल जीवन मिशन योजना में जितना भ्रष्टाचार हुआ है पिछली सरकार के अंदर, ईडी तक को आना पड़ा, और जो पाइपलाइन बिछाई गई उसके अंदर रास्तों की कटिंग भी हुई है, उसमें क्या ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है उसको वापस ठीक करने की, या पंचायत की जिम्मेवारी है? अगर ठेकेदार की जिम्मेवारी है, उनके सबके पेमेंट हो गए थे, भ्रष्टाचार में आता है कि नहीं आता है, और ईडी तक को आना पड़ा, तो क्या आप व्यापक रूप से इसमें भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे? बस यही पूछना। अध्यक्ष महोदय, ये वास्तव में पिछली सरकार में जितना घोटाला हुआ शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ, जो जल जीवन मिशन के अंदर पिछले 20 दिन से जब इसकी समीक्षा कर रहे हैं, स्थिति हो रही है कि जो 2019 में जल जीवन मिशन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू करी थी हर घर में पानी जाने के लिए, इसका जिस तरह से इन्होंने दुरुपयोग किया और लूटा तो लूटा, बाकी आज हम 3300 स्थान पे भारत के अंदर आखिरी स्थान पे ले जाके 3300 स्थान पे बैठे। ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। सुनो पाप पहले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग पैसे लगा के प्याव लगाते हैं अपना पुण्य करने के लिए, इन्होंने इतना बड़ा पाप किया, जनता का पैसे को इतना लूटा है कि आज जिस जगह पे हम जाते हैं उस जगह पे न तो पाइपलाइन कहीं एक फीट पे पड़ी है, कहीं पे उसका सिर्फ पानी कहाँ से आएगा, क्या योजना है, सिर्फ इन्होंने ये देखा कौन से डिवीजन के अंदर कितना बजट मिलेगा, उस बजट में महीने चेक काटे और फिर दूसरे में चले जाते थे, और जब बेन लग जाता तो एपीओ का सिस्टम चालू कर दिया, इसको एपीओ करके उस पे लगा दो, सिर्फ लूटने का काम किया। और सबसे बड़ा ये हुआ, आज राज्य सरकार का राजांश इन्होंने कौन सी योजना में दिया, केंद्र सरकार का पूरा बजट कर लिया। इससे भी बड़ा काम इन्होंने किया केवल वाई लूटने के लिए, मार्च 2019 में इन्होंने हम 10% हिस्सा नहीं लेंगे तो कोई बजट या प्रावधान नहीं किया, 2500 करोड़ रुपए का बजट ये सरकार को भुगतना पड़ेगा, कैसे कहां से व्यवस्था होगी? इन्होंने सिर्फ जो भी, मैं इतना कहना चाहता हूं सुनो बैठिए ये जो उत्तर आ रहा है अभी ईडी आई है, ऑपोजिशन बैठिए सुनने की क्षमता रखो, पाप किया है तो आप बैठिए, ये पाप किया सुनने की क्षमता रखो, बैठिए पहले, ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण योजना पानी पिलाने की, महत्वपूर्ण योजना जल का उत्तर दीजिए, राजस्थान में पानी के, आप बैठिए, मुझे पता है क्या है, प्रश्न का उत्तर आ गया, हम कंपनियों को इन्होंने टेंडर दे दिया, मंत्री जी प्रश्न का उत्तर है, हम माननीय सदस्य विभाग के अधिकारियों के उत्तर सुनिए, हमारे सेक्रेटरी के द्वारा टास्क फोर्स जना के इन चोरों को जिन्होंने चोरी की है, ईडी भी आएगी, एसीबी भी केयर, मौका पड़ेगा तो सीबीआई में इनको जेल डालेंगे, और जिन ठेकेदारों ने घोटाला किया उनको ब्लैक लिस्टेड करके उनसे रिकवरी करेंगे, आपको सदन को आश्वस्त कर देंगे इसको सुधार कर रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न माननीय श्री गांधी प्रसाद संख्या 28, और आपको प्रश्न का उत्तर प्रश्न करता और उत्तर मंत्री जी, किसी तीसरे को अनुमति नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अनुमति नहीं है, नहीं बोलेंगे, बैठिए, जाना हो तो जाइए, बोलने नहीं दूंगा प्रश्नकाल में नहीं दूंगा। हाँ मंत्री जी आप बोलिए, उत्तर दीजिए, गांधी प्रसाद आप बोलते रहिए, आरोप साइन करो, वो उनकी बात सुननी पड़ेगी, आपकी भी सुनेंगे, बैठिए, श्री कांति प्रसाद, पाप तो भुगतना पड़ेगा, कांति प्रसाद चोरी और सीना चोरी नहीं चलेगी, आप चोरों की पैरवी कर रहे हो, चोरों की पैरवी कर रहे हो, चोरों की कर रहे हो, सारा नाश कर दिया। माननीय सदस्य, माननीय विपक्षी नेता, इनको चोर मचाए चोर, प्रश्नकाल चलने दीजिए, चोर मचाए चोर, आपका रोल ही नहीं है, बैठिए, अपनी सीटों में जाइए,
प्रश्नकाल में नहीं है। हर आपके राज्यपाल के अभिभाषण में बोलना, राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलना, प्रश्नकाल है। आप नीचे उतरिए, आप नीचे उतरो। नहीं, बात वहीं से कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वहीं से कहिए, बात वहीं से कहिए, वहीं से कहिए। ये करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सदन में रहना। तो बात नियमों से होगी, बात नियमों से होगी। ये नियम में नहीं है। प्रश्नकाल में हो गया, बात उत्तर आ गया। प्रश्नकाल में प्रश्न में ही आएंगे उत्तर। नहीं आज खड़े रहो, चलिए अगला प्रश्न। कांति प्रसाद है, सुरेश रावत मंजू बोली। खंड एक, पूरी रास्ता हो गया, जवाब आ गया। नहर परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली हिडर कैनाल से नजदीक के पूर्ण निर्मित 26 बांधों में जल पर्यटन किया जाना